बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों हम थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम को प्रेफर करते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन में, और इसकी डिटेल को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि पावर ट्रांसमिशन लाइन जो सिस्टम होते हैं वो किस किस किस्म के होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं कि डिफरेंट किस्म के पावर सिस्टम को किस तरह ट्रांसमिट किया जा सकता है, और उन सिस्टम्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो किन किन फैक्टर्स की बेस पे कंपैरिजन किया जाएगा, और उसकी बेस पे हम क्यों थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम को ही प्रेफर करते हैं, इसके अलावा बाकी किसी सिस्टम को हम प्रेफर नहीं करते। तो सबसे पहले इस बात को देखा जाए कि भाई जो हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम या चॉइसिस या ऑप्शन अवेलेबल क्या क्या हैं। अगर हम सिस्टम्स की में बात करें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती है। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम यूज करें डीसी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है हम एसी पावर को ट्रांसमिट करें। अगर हम डीसी पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो जो स्टैंडर्ड डीसी पावर ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है वो डीसी टू वायर सिस्टम बनता है, लेकिन इसके अलावा पॉसिबिलिटी बनती है डीसी टू वायर विद मिड पॉइंट डीसी थ्री वायर सिस्टम, ये पॉसिबिलिटीज बनती है, इसके थ्रू ट्रांसमिट किया जा सकता है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने डीसी की बेस पर ट्रांसमिशन और उसके एडवांटेजेस डिस्कस किए थे। डीसी ओवरऑल तो एडवांटेज के लिहाज से बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं डीसी में, लेकिन डीसी का मेजर डिसएडवांटेज ये है कि हम स्टेप अप स्टेप डाउन डीसी के थ्रू नहीं कर सकते, और मतलब हाई वोल्टेज पे स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। और जो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हमें जो कन्वर्जन करनी पड़ती है इन्वर्टर यानी कि एसी को डीसी में या डीसी को एसी में, वो भी कंपैरेटिवली मुश्किल होती है। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन पॉसिबल है, लेकिन इसको क्योंकि ये इतनी मैच्योर नहीं हुई तो इसमें आरएनडी अभी भी चल रही है। अलबत्ता अगर मैंने एसी ट्रांसमिशन करनी है तो हमारे पास बेसिकली तो तीन चॉइसेस अवेलेबल हैं, या तो मैं सिंगल फेज ट्रांसमिशन करूं, या मैं डबल फेज ट्रांसमिशन करूं, या मैं थ्री फेज ट्रांसमिशन करूं। अगर मैं सिंगल फेज ट्रांसमिशन करता हूं तो फिर मेरे पास सिंगल फेज टू वायर सिस्टम भी अवेलेबल है, सिंगल फेज टू वायर विद मिड पॉइंट भी अवेलेबल है, और सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम भी अवेलेबल है। फिर हमारे पास अगर मैंने टू फेज में ट्रांसमिट करना है, टू फेज फोर वायर सिस्टम और टू फेज थ्री वायर सिस्टम अवेलेबल है। फिर थ्री फेज में अगर हम जाएं तो थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम और थ्री फेज फोर वायर सिस्टम अवेलेबल है। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि सिस्टम अगर मैंने एसी ट्रांसमिशन करनी है तो मैं थ्री फेज एसी ट्रांसमिशन करूं, ना कि मैं सिंगल फेज ट्रांसमिशन करूं, ना ही मैं डबल फेज ट्रांसमिशन करूं। लेकिन अगर मैंने डीसी ट्रांसमिशन करनी है तो फिर हमारे पास चॉइस अवेलेबल होती है, नॉर्मली हम डीसी टू वायर सिस्टम को प्रेफर करते हैं और डीसी पे ट्रांसमिशन करते हैं। तो एक जनरल एग्जांपल, वैसे तो सारों को फिजिकली तौर पे प्रूव करना पड़ेगा कि किस कौन किसके अंदर कितने लॉसेस होते हैं, कंडक्टर कितना चाहिए और उस कंडक्टर के बेस पे कितनी पावर ट्रांसफर होगी, लेकिन हम स्पेसिफिकली थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम और थ्री फेज फोर वायर सिस्टम को देखेंगे कि वो किस तरह उनके अंदर लॉसेस क्या होते हैं, और ओवरऑल फिर ओवरव्यू लेंगे सारे बाकी सारे सिस्टम का। तो सबसे पहले थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम को अगर हम देखें तो थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम नॉर्मली इस तरह डेल्टा कनेक्शन में लगा होता है, सॉरी स्टार कनेक्शन में लगा होता है, और इसका न्यूट्रल कॉमन किया होता है और अर्थ किया होता है, और अज्यूम किया होता है कि भाई इसके न्यूट्रल, क्योंकि ये बैलेंस लोड है और इसके न्यूट्रल पे जीरो करंट पास करेगा, ये अज्यूम किया होता है। अब उसकी बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि ये आपकी जो हर कॉइल के अगेंस्ट या हर कह लो फेज पे हमारे पास वोल्टेज आ रहा है, और नॉर्मली हम जब वोल्टेज को बेस बनाते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं बेस्ड ऑन कंडक्टर, क्योंकि जब हमने लॉसेस को मेजर करना है तो हम उसकी आरएमएस वैल्यू को बेस बनाते हैं, ना कि उसकी फिजिकल पीक टू पीक वैल्यू को बेस बनाते हैं, क्योंकि जो उसका इम्पैक्ट पड़ना है कंडक्टर के ऊपर वो इम्पैक्ट बेसिकली पड़ता है उसके साइज का इम्पैक्ट पड़ता है, और वो साइज जो है वो इक्विवेलेंट डीसी वोल्टेज का इम्पैक्ट पड़ता है। जो इक्विवेलेंट डीसी वोल्टेज है वो आरएमएस वैल्यू, तो हम क्या करते हैं कि इस वोल्टेज को डिवाइड बाय अंडर रूट थ्री करके वी आरएमएस बना लेते हैं, सॉरी वोल्टेज डिवाइड बाय अंडर रूट टू करके वी आरएमएस बना लेते हैं। और क्योंकि थ्री फेज है, जो टोटल पावर डिलीवर होगी वो हर फेज पे डिवाइड की जाएगी, तो पावर टोटल पावर डिलीवर डिवाइड बाय थ्री, हर फेज के लिए अलग अलग पावर हमें डिलीवर की जाएगी। अब अगर मैं इसका करंट निकालूं तो करंट बेसिकली क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से, क्योंकि थ्री फेज है तो थ्री फेज में थ्री टाइम आई वी इक्वल टू सॉरी पी इक्वल टू आई वी कॉस फाई आपके पास आ गया, और थ्री टाइम आई वी कॉस फाई आ गया,
तो उसके अंदर हम पावर की वैल्यू डाल देते हैं, पावर डिवाइड बाय 3 आ गया, और इसी तरह वीएम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ गया, कॉस फाई हमने वोल्टेज की वैल्यू डाल दी। जब उसको सिंप्लीफाई किया तो आप देखो अंडर रूट 2 टाइम पी आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में 3 टाइम वीएम कॉस फाई आ गया। अगर मैं लॉसेस की बात करूं तो लॉसेस क्या होते हैं, एक ट्रांसमिशन में लाइन में आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं, और क्योंकि 3 वायर सिस्टम है तो 3 वायर्स का 3 टाइम आई स्क्वायर आर लॉस हमारे पास आ जाएगा। तो आई स्केयर आर लॉस में आई की वैल्यू डाल दी जो ऊपर हमने कैलकुलेट की है, और आर की वैल्यू होती है रो एल ओवर ए। रो बेसिकली रेजिस्टिविटी होती है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, ए एरिया ऑफ कंडक्टर होता है। जब हमने इन वैल्यूज को डाला तो मेरे पास जो लॉस आया वो ये वैल्यू आई, 2 टाइम पी स्केयर रो एल डिवाइड बाई 3 टाइम ए वी स्केयर कॉस स्केयर फाइव। ये बेसिकली हमारे पास लॉस है, और इस लॉस में अगर मैं एरिया बाहर निकाल दूं और लॉस को डिनोमिनेटर में ले तो ये एरिया हमारे पास आ गया। अब हम क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर देखना चाहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर, क्योंकि ये 3 फेज है तो 3 कंडक्टर है, मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, 3 टाइम ए इंटू लेंथ। तो 3 टाइम ए इंटू लेंथ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और इस वैल्यू में अगर हम कॉस फाई को बाहर निकाल दें और ये वैल्यू को देखें तो इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ओवरऑल सिंप्लीफाइड वर्जन में ये वैल्यू आती है वो 0.5 के डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर फाई आ रहा है, क्योंकि के जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम डब्ल्यू वी स्क्वायर करते हैं, तो वो 4 टाइम के रिस्पेक्ट से ये 0.5 आ जाता है। तो ये हमारे पास के फैक्टर में आ जाता है। दूसरी ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि मैं 3 फेज ही लूं लेकिन 4 वायर सिस्टम पे लेके जाऊं। 3 फेज 4 वायर सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास सेंटर में एक न्यूट्रल आ जाता है। अब न्यूट्रल की एक सेपरेट वायर हमें निकालनी पड़ेगी। लॉसेस के लिहाज से एग्जैक्टली वही लॉसेस आएंगे जो हमने पीछे कैलकुलेट किए हैं, ये ही वाले लॉसेस आएंगे जो लॉसेस हमारे पास डब्ल्यू में आए, और एरिया भी वैसा ही आएगा। लेकिन जब हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो जो न्यूट्रल की वायर है उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और न्यूट्रल की वायर को हम कंसीडर करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि जितना करंट एक कंडक्टर में से गुजर रहा है, न्यूट्रल में से जो करंट है उसका 50% टाइम गुजर रहा है। तो हम 3.5 टाइम एरिया ऑफ न्यूट्रल लेते हैं, यानी कि 0.5 टाइम एरिया ऑफ न्यूट्रल लेते हैं। तो टोटल एरिया क्या बन गया, 3 कंडक्टर का 3 एरिया बना और इनटू यानी कि 7.5 आ गया न्यूट्रल का एरिया आ गया। तो टोटल एरिया के अकॉर्डिंगली हमने इसको मल्टीप्लाई किया। एनीवेज जब हमने इसकी कैलकुलेशन की, जो वॉल्यूम की कैलकुलेशन आई, तो वो हमारे पास 7k डिवाइडेड बाय 12 cos स्क्वायर फाई हमारे पास आ गया, जबकि k जो फैक्टर है वो 4 टाइम p स्क्वायर रो l स्क्वायर डिवाइडेड बाय w vm स्क्वायर, ये k फैक्टर है। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई कि अगर मैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम में चलूं, और दूसरी वैल्यू आई 3 फेज 4 वायर सिस्टम में चलूं। टेक्निकली तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिस्टम्स बनते हैं उनके अकॉर्डिंगली, जब मैं इसको के फैक्टर के अकॉर्डिंगली लिखूं तो ये के फैक्टर के अकॉर्डिंगली, अगर डीसी 2 वायर सिस्टम लेके आए तो दोनों में के आता है, यानी कि अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड केबल दोनों में के फैक्टर आता है। फिर 2 फेज मिड पॉइंट के साथ चलूं तो ये आइडियल सिचुएशन बनती है कि अगर मैंने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन डालनी है तो 0.25 के साथ मिड जो मिड वायर हमने लगा दी, और उसमें ये हमें एडवांटेज मिल जाता है, जबकि ओवर अंडरग्राउंड केबल में ये 1 का फैक्टर ही रहता है। इसी तरह आप अगर बाकी सारे फैक्टर्स को देखो तो आपको एक चीज ऑब्जर्व की जाएगी कि यहाँ पे अगर मैंने डीसी में जाना है और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है तो मिनिमम वॉल्यूम जो कंडक्टर का मिलता है वो यही मिलता है। अगर मैंने डीसी में रहना है और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है तो मेरे पास दोनों चॉइसेस अवेलेबल है, मैं इन दोनों में से कोई भी कंडक्टर यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने एसी में रहना है तो सिंगल फेज 2 फेज और 3 फेज में जो सबसे बड़ा एडवांटेज किसी भी फेज में मिलता है वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम में मिलता है। आप देखो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ये आपको मिला है, जबकि पावर 3 टाइम जा रही है। सिंगल फेज में पावर सिंगल टाइम जा रही है, वॉल्यूम सेम है। इसी तरह 2 फेज 4 वायर सिस्टम में भी वॉल्यूम सेम है, यानी कि सिंगल फेज 3 विद मिड पॉइंट में वॉल्यूम देखें, 2 फेज 4 वायर सिस्टम में वॉल्यूम देखें, और 3 फेज 3 वायर सिस्टम में वॉल्यूम देखें, तो तीनों में सेम है। लेकिन पावर के लिहाज से इसमें 1 टाइम पावर जा रही है, इसमें 2 टाइम पावर जा रही है, और इसमें 3 टाइम पावर जा रही है। तो कंपैरेटिवली पावर ज्यादा जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम को प्रेफर किया जाए। अदरवाइज ये भी चॉइस अवेलेबल है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम को किया जाए, इन दैट केस हमें वॉल्यूम का एरिया यानी कि वॉल्यूम जो न्यूट्रल है उसका भी वॉल्यूम हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एरिया बढ़ जाएगा।
तो आप देखो कि अगर मैं डीसी में जाता हूँ तो कंडक्टर का साइज सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है कंडक्टर के साइज का, कि टेक्निकली तौर पे हमें लेसर कंडक्टर साइज अवेलेबल है डीसी में और एडवांटेज मिलता है डीसी में ट्रांसमिशन का, लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हम डीसी को प्रेफर नहीं करते। और टेक्निकल डिफिकल्टीज क्या है कि हमें स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं होता, हमारे पास इन्वर्टर कन्वर्टर नहीं अवेलेबल है, और जो कन्वर्टर इन्वर्टर अवेलेबल है वो कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स है, और उसकी उस लेवल पे R&D नहीं हुई भी जिस लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ताकि उनकी रिलायबिलिटी हो। पाकिस्तान जैसी कंट्री में ये चीज़ और कॉम्प्लेक्स या मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। जबकि थ्री फेज सिस्टम में जो आइडियल मैकेनिज्म बनता है, ना सिंगल फेज बनता है ना टू फेज बनता है, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम सबसे सूटेबल लगता है, क्योंकि उसमें एरिया कम से कम लगता है, और कंपेरेटिवली क्योंकि इसके अंदर स्टेप अप स्टेप डाउन करना आसान है, ट्रांसफार्मर लगते हैं और ट्रांसफार्मर एफिशिएंट डिवाइस होती है, तो ये कन्वीनियंट भी सिस्टम बनता है और एफिशिएंट भी सिस्टम हमारे पास बनता है। इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम कहते हैं व्हाट इज द परसेंटेज सेविंग इन द फीडर कॉपर इफ द लाइन वोल्टेज इज टू वायर डीसी सिस्टम इज रेज्ड फ्रॉम 200 वोल्ट टू 400 वोल्ट फॉर द सेम पावर ट्रांसमिटेड ओवर द सेम डिस्टेंस एंड हैविंग द सेम पावर लॉस। अब मेरे पास दो ट्रांसमिशन लाइन है, एक ट्रांसमिशन लाइन में 200 वोल्ट आप ट्रांसमिट कर रहे हो, दूसरी ट्रांसमिशन लाइन में 400 वोल्ट ट्रांसमिट कर रहे हो, तो हमने देखना है कि टू वायर सिस्टम में दोनों में फर्क क्या है और एडवांटेज क्या मिलेगा। आप देखो कि अगर मैंने पावर कैलकुलेट की तो पावर इज इक्वल टू वी आई दोनों केसेस में आई, तो वी आई क्या हो जाएगा, वो 200 टाइम हाई हो जाएगा और दूसरा 400 टाइम हाई हो जाएगा, क्योंकि पावर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों की पावर सेम है, तो ये दोनों पावर सेम होगी, तो जो रिलेशनशिप करंट का बनेगा वो अगर डिवाइड करें तो जो I1 है उसके कंपेरिजन में जो दूसरा करंट है वो 0.5 जो आएगा, सॉरी I2 इज इक्वल टू 0.5 और I1 बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हम 200 वोल्ट वाले सिस्टम को देखें तो उसमें अंदर लॉसेज हो गए 2I² R, इसी तरह इसमें भी 2I² R, क्योंकि I2 को हमने कैलकुलेट किया और I2 क्या निकला 0.5 of I1, तो 0.5 I1 के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास फैक्टर आता है लॉसेज का। अब मैं क्योंकि हमें ये पता है कि लॉसेज जो है हम जो है टू केसेस के लिए सेम हम कंसीडर करें, तो ये हमारे पास लॉसेज आए, इनकी कैलकुलेशन में देखें 2I² R और 0.5I² R, R1 और R2 के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये 4 की आ जाती है। एरिया के रिस्पेक्ट से देखें तो जितना एरिया है वो उसी के रिस्पेक्ट से हमारे पास, क्योंकि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, रो एल ओवर ए के फॉर्मूले से देखें। इसी तरह वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से देखें तो ये वॉल्यूम और एरिया की रेशियो सेम बनती है। फिर वोल्टेज के रिस्पेक्ट से देखें तो 0.25 हमारे पास बनती है। अब हम कॉपर सेविंग के अकॉर्डिंगली देखें, सॉरी ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से हमारे पास 0.25, कॉपर सेविंग के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास V1 - V2 over V1 आ गया। अगर मैंने इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन की अलग अलग करके तो हमारे पास आया 1 - 0.25 × 100, तो जो कॉपर सेव होगा कि सिर्फ हमने वोल्टेज को डबल किया तो जो कॉपर सेव होगा वो 75% ज़्यादा सेव हो जाएगा, कि वोल्टेज को इंक्रीज करने से 75% कॉपर ज़्यादा सेव होगा। ये दूसरी एग्जाम्पल है, a DC two wire system is to be converted into AC three phase three wire system by an addition of third conductor of the same cross sectional area as the two existing conductor. Calculate the percentage additional load which can now be supplied if the voltage between the wire and the percentage loss in the line remain unchanged. Assume a balanced load of unity factor. यानी कि फैक्टर आपका यूनिटी है, एक आ गया आपके पास डीसी टू वायर सिस्टम आ गया और दूसरा आ गया एसी थ्री वायर थ्री फेज सिस्टम आ गया। तो आप देखो ये टू वायर सिस्टम का सर्किट डायग्राम बन गया और ये थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम की सर्किट डायग्राम हमारे पास बन गया। तो अगर हम उसकी बेस पे हम देखें पावर की कैलकुलेशन देखें तो पावर ये हमारे पास आई वी आई क्योंकि डीसी के केस है, और लॉस क्या आया क्योंकि टू वायर के अंदर टू टाइम आई स्क्वायर आर लॉस आया, और परसेंटेज लॉस हमारे पास क्या है कि भाई ये पावर लॉस डिवाइडेड बाय टोटल पावर इन टू 100 किया तो ये परसेंटेज लॉस है। थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम में जाए तो जो पावर बनी वो अंडर थ्री टाइम वी आई बनी और साथ कॉस फाई क्योंकि कॉस फाई हमने यूनिटी रखा हुआ है तो ये वन आ गया, तो अंडर रूट थ्री टाइम वी आई बनी, और लॉस निकालें तो थ्री टाइम्स क्योंकि थ्री फेज है आई स्क्वायर आर लॉस बना। अब इन दोनों को डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये परसेंटेज पावर लॉस आ गया। तो आप देखो कि परसेंटेज पावर लॉस एक साइड पे ये आया और दूसरी साइड पे ये आया आपके पास परसेंटेज पावर लॉस।
अब हम इन दोनों को सॉल्व करें तो जो रिलेशनशिप बनता है, आप देखो कि वी आई की रिस्पेक्ट से इसकी मल्टीप्लिकेशन की जाए और वोल्टेज को वोल्टेज से कैंसिल आउट किया जाए, आर को आर से कैंसिल आउट किया जाए, तो 2 टाइम I1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम I2 बन गया, और I2 इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 3 I1 बन गया। और पावर के रिस्पेक्ट से P2 ओवर P1 करके हमने किया, तो P2 की जो पावर आ रही थी और P1 की पावर आ रही थी, इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ये 2 है। इसका मतलब यह है कि अगर हम देखें तो जो P2 है इज इक्वल टू 2 टाइम P1 है, यानी कि हम ये 100% पावर इंक्रीज कर जाती है। अगर थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम में हम जाएं तो जो पावर है वो 100% हमें इंक्रीज मिल जाती है, एडवांटेज मिल जाता है सप्लाइड वोल्टेज में, अगर यूनिटी पावर फैक्टर हो। तीसरा आ गया, डीसी थ्री वायर सिस्टम इज टू बी कन्वर्टेड इनटू थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, यानी कि डीसी सिस्टम है और थ्री वायर सिस्टम को थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में हमने कन्वर्ट कर दिया बाय एडिंग ए फोर्थ वायर इक्वल इन क्रॉस सेक्शन टू ईच आउटर ऑफ द डीसी सिस्टम इफ द परसेंटेज पावर लॉस एंड द वोल्टेज एट द कंज्यूमर टर्मिनल आर टू बी द सेम, यानी कि लॉसेज आर सेम, फाइंड द एक्स्ट्रा पावर एट यूनिटी पावर फैक्टर दैट कैन बी सप्लाइड, यानी कि जो डीसी सिस्टम है वो थ्री फेज थ्री वायर सॉरी डीसी सिस्टम थ्री वायर सिस्टम है और जबकि एसी सिस्टम थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है, लॉसेज हम अज्यूम करें कि सेम है, अब देखेंगे एडिशनल पावर किस में ज्यादा जाएगी। तो आप सिंपल कैलकुलेशन, पावर सप्लाइड आपने की क्योंकि ये हमारे पास डीसी सिस्टम है तो 2 टाइम VI हो गया, और उसके अंदर लॉस किया तो वो लॉस हमारे पास हो गया 2 I² R लॉस, क्योंकि हमारे पास एक कंडक्टर आ गए तो उसके अकॉर्डिंगली जब हमने लॉस निकाला तो ये परसेंटेज लॉस आ गया थ्री फे थ्री वायर डीसी सिस्टम के लिए। इसी तरह परसेंटेज लॉस अगर मैं एसी सिस्टम के लिए लगाऊं तो पावर 3 टाइम हो जाती, 3 टाइम I2 होगी और इसके अंदर लॉसेज हम देखेंगे 3 टाइम I² R लॉस आ गया, उसकी परसेंटेज रेशियो निकाले तो ये हमारे पास रेशियो बन गई लॉस की। अब ये दोनों लॉसेज आ गए, अगर हम इन दोनों लॉसेज को इक्वल कर दें और उसकी कैलकुलेशन करें तो I1 जो है वो I2 के इक्वल है, फिर पावर रेशियो के अकॉर्डिंगली हम इसे कैलकुलेट करें तो 1.5 टाइम ज्यादा पावर एसी सिस्टम में चली जाएगी एज कम्पेयर टू डीसी सिस्टम। इसका मतलब 50% ज्यादा पावर हमारे ज्यादा चली जाएगी एसी सिस्टम में एज कम्पेयर टू डीसी सिस्टम। ये चौथी एग्जांपल आ गई, अ सिंगल फेज एसी सिस्टम सप्लाइड ए लोड ऑफ 200 किलोवाट एंड इफ दिस सिस्टम इज कन्वर्टेड टू थ्री फेज थ्री वायर एसी सिस्टम, यानी कि आपके पास सिंपल एसी सिस्टम है और इसको हम थ्री फेज थ्री वायर एसी सिस्टम में कन्वर्ट करें बाय रनिंग अ थर्ड सिमिलर कंडक्टर कैलकुलेट द थ्री फेज लोड दैट कैन नाउ बी सप्लाइड इफ द वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर इज सेम अज्यूमिंग द पावर फैक्टर एंड द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी टू बी द सेम इन टू केसेस। पावर एफिशिएंसी भी हमने सेम कर दी, पावर फैक्टर भी सेम कर दिया है, हमने कहा वोल्टेज जो है थ्री, जो हमने ये चीज देखनी है कि भाई कितनी पावर ये ट्रांसमिट करे। अब देखो अगर मेरे पास सिंगल फेज है तो VI cos θ VI cos φ बन जाता है और इसका लॉस I² R लॉस बन गया और लॉसेज की परसेंटेज ये बनी, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम में अंडर रूट 3 टाइम VI cos φ बन जाता है और पावर का लॉस 3 टाइम I² R लॉस है और लॉसेज की परसेंटेज ये बन गई। ये दोनों लॉसेज आपके पास आ गए, अब लॉसेस को जब हमने इक्वल कर लिया, अब इक्वल करने के बाद आई की रेशियो निकाली तो पता चला कि I2 जो है यानी कि थ्री फेज में 2 बाय अंडर रूट 3 ऑफ I1 आती है, और पावर के अकॉर्डिंगली जब इसे कैलकुलेट किया पावर की रेटिंग को थ्री फेज की पावर को और सिंगल फेज की पावर को जब आपस में डिवाइड किया और ओवरऑल आई की वैल्यू को I2 की वैल्यू को भी इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो जो रेशियो कैलकुलेट हुई वो 2 टाइम I। इसका मतलब यह है कि जो सिंगल फेज सिस्टम है उसमें जो पावर जाएगी वो 100 टाइम्स ज्यादा, यानी कि डबल पावर चली जाएगी थ्री फेज सिस्टम में, तो ये एक एडवांटेज मिलेगा। अगला आ गया, अ 50 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन सप्लाईज अ लोड ऑफ 5 MVA एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग 33 kV, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन इज 90%, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर लाइन, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम इज यूज, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम इज यूज, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द एल्यूमिनियम इज 2.85 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये उसकी हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस, पावर ट्रांसमिटेड आ गई एमवीए इंटू कॉस फाइव, तो हमारे पास क्योंकि पावर फैक्टर अवेलेबल है हमने मल्टीप्लाई किया तो इतनी पावर ट्रांसमिट हुई, लॉसेस कितने 10%, 10% लॉस जितनी पावर ट्रांसमिट हुई है उसका 10% निकाल के ये लॉस आ गया। लाइन की जो लेंथ है वो 50 किलोमीटर है वो आपके पास आ गया। अब आपने कैलकुलेट क्या किया, आपने कहा कि अपरेंट पावर VI होती है,
अपरेंट पावर हमने उससे करंट निकाला तो वी अपरेंट पावर ओवर वी कर दिया, अपरेंट पावर जो आपके पास आ रही है अवेलेबल जो उसने गिवन की भी है डिवाइडेड बाय आपने वोल्टेज किया तो ये आपके पास वोल्टेज करंट आया, अपरेंट पावर वी ए में जो पावर आ रही है वो आपके पास है तो ये आपका करंट आया। लॉसेज निकाले तो आई स्केयर आर लॉस है, आई स्केयर का हमें पता है आर जो है हमने आई स्केयर आई जो हमारे पास गिवन है आर जो है रेजिस्टिविटी उसने दी हुई है रो एल ओवर ए उसके अकॉर्डिंगली हमने इसकी वैल्यूज को डाला तो ये हमारे पास 2 × 151.5 हमारे पास आई और क्योंकि ये गिवन थी और मल्टीप्लाई बाय अगर हम करें तो हमारे पास आ गई 2.85 × 10⁻¹⁸ इंटू 50 क्योंकि लेंथ हमारे पास 50 है इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 4 × 10⁵ ये हमने सारी वैल्यूज को इसके अंदर डाला। फाइनली हमारे पास जो एरिया आया वो 1.635 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वेयर और इस एरिया को जब मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई किया क्योंकि डबल कंडक्टर यूज हो रहा था तो जो ओवरऑल ये वॉल्यूम हमारे पास बना वो 16.35 मीटर क्यूब ये हमारे पास वॉल्यूम बन गया। अब वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली अब हम थ्री फेज में हम देखें तो फिर लाइन जो करंट आ रहा है वो अपरेंट पावर डिवाइड बाय अंडर रूट 3 टाइम वोल्ट आ गया तो ये पावर डिवाइड बाय अंडर रूट 3 टाइम वोल्ट को किया तो ये करंट बना। इस करंट का लॉस निकाला तो 3 × I² R लॉस निकाला तो आई की वैल्यू भी हमें पता है रो की वैल्यू भी पता है एल की वैल्यू भी पता है ए की वैल्यू भी पता है तो ये जब वैल्यूज डाली तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बना। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 टाइम एरिया इंटू लेंथ किया तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम बन गया 12.27 वॉल्यूम बन गया। अब देखो कि एक साइड पे हमें जो वॉल्यूम मिल रहा है वो 16.35 है दूसरी साइड पे हमारे पास 12.27 वोल्ट मिल गया तो आप देखो कि सिंगल फेज टू वायर सिस्टम का वॉल्यूम कंपैरेटिवली ज्यादा है उसी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। अगर मैं थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम की बात करूँ हालांकि फेज भी बढ़ गए वायर्स भी बढ़ गई लेकिन नंबर ऑफ वॉल्यूम या कंडक्टर का साइज जो है वो कम हो गया तो ये हमें एडवांटेज मिलता है अगर हम थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम पे अपने पावर को ट्रांसमिट करते हैं। थैंक यू जजाकल्लाह अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल के गुदाम में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोई क्वेश्चन क्यूरी इशू प्रॉब्लम वगैरह कोई भी आप फेस करते हो आप मुझे ईमेल कर सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जो भी आपको इशू हुआ मैं इंशाल्लाह रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।